माशाल्लाह लड्डू देखो हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं, सेम दुकान जैसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू। ये लड्डू दिवाली के मौके पर लोग बहुत शौक से बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, शक्कर पिसी हुई, घी, इलायची पाउडर जो मैंने शक्कर में डालकर पीसी हूँ, कटे हुए बादाम और मनुके। कढ़ाई में मैंने घी डालकर गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ये 2 कप आटा। दूसरा कप भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे स्लो आंच पर पकाऊंगी। अब इसमें मैं और थोड़ी सी घी डालूंगी। और इसे भी मिक्स कर लूंगी। धीमी आंच पर ही पकाना है हमें। इसे हमें सुनहरा होने तक के पकाना है, इसका कलर चेंज होने तक के। देखिए कलर जो है चेंज होते जा रहा है। अब इसे हम और थोड़ा सा भून लेंगे। आटा भूनकर हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर लूँगी और आटे को प्लेट में निकाल लूँगी। इसे मैंने प्लेट में निकाल दी हूँ। ये गरम है इसके लिए ये पतला है, ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा। आटा जो है ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर। अब इसमें ऐड करूंगी बादाम। इसमें मैं 1 वाटी शक्कर डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए आटा कैसा जम चुका है पूरा। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम इसमें 1 मनुका लगाएंगे ऊपर। इसे अब प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह हमें सारे लड्डू बनाना है। माशाल्लाह हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।